दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि ट्रैक्टर कैसे सीखें। हालांकि लोग ज़्यादातर चला लेते हैं, जो नहीं चला पाते हैं उनको हम कुछ चीज़ें आज बताएंगे ट्रैक्टर कैसे चलाएं। ट्रैक्टर चलाना बहुत आसान है, कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखें, आराम से ट्रैक्टर आप चला सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को हम अभी बताने वाले हैं कि ट्रैक्टर की जो है कैसे चलाएं। अगर आप कोई गाड़ी चला लेते हैं फोर व्हीलर, तब तो आपके लिए बस 5 मिनट का काम है। अगर बिल्कुल आप नए हैं तब भी आप आसानी से ट्रैक्टर चला सकते हैं। कुछ गलतियां हैं जैसे आप लोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि कुछ गलती जब होती हैं तभी जो है ट्रैक्टर पलटते हैं, और ट्रैक्टर जब पलटता है तो ड्राइवर की बचने की संभावना बहुत कम होती है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज हम हर एक एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज देंगे। जैसे कि आप ट्रैक्टर पर चढ़ें, ये ट्रैक्टर हो गया दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये चाबी लगाएंगे। दोस्तों ये चाबी है, इसको आप यहाँ पर स्विच लगा है इसमें लगाएंगे, ये आप ऑन करेंगे, सारे ये इंडिकेटर इसके चल जाएंगे, ठीक है। और ये आपका बंद करने वाला लगा हुआ है। अब ध्यान रखने वाली कौन सी चीज़ें हैं, जैसे ये गियर है तो दोस्तों ये वाला आप देख रहे हैं तो ये हाई है, ठीक है, हाई और लो, ये अब लो हो गया तो ये हाई है, ठीक है। अब हमको रोड पर चलने के लिए हमारा ये गियर लीवर है, तो ये वाला हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, और ये हमारा रिवर्स बैक हो गया, ये हमारे गियर हो गए। उसके बाद आपको जो है ये हमारे मीटर हो गए, तो इसमें जो है आपका ये वाला हो गया तेल का, ये हमारा इंजन ऑयल का हो गया, ये आपकी रेस हो गई, और ये गाड़ी टेम्परेचर हीटिंग का हो गया। ये आपको जुताई के टाइम ध्यान रखना है, या सरेसर वगैरह चल रहा हो तब ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कहाँ जा रहा है। अब आ जाइए, ये हमारा एक्सीलेटर हो गया, तो ये एक्सीलेटर हमारा हैंडल वाला है, और एक एक्सीलेटर हमारा ये पैर वाला है, ये आप देख सकते हो ये वाला। अच्छा, ये हमारा ब्रेक हो गया है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने के लिए, जैसे हमारा ये ब्रेक है, आप जुताई करते हैं तो ब्रेक ये खोल लें, इधर वाला दाबेंगे तो आपका ये वाला पहिया इधर वाला रुकेगा, और अगर आप ये वाला दाबेंगे तो इधर वाला पहिया जाम होगा। इसे आप सिर्फ जुताई पर ही इस्तेमाल करें। अच्छा, लोग क्या करते हैं, आपने जैसे जुताई की और ये ब्रेक खोल लिया, उसके बाद आप रोड पर जा रहे हैं और ब्रेक आपका ये बंद नहीं हुआ, ये यहाँ से बंद हो कर देंगे तो आपके दोनों बराबर ब्रेक लगेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखने वाली लोग भूल जाते हैं या कुछ समझिए, जब भी रोड पर गाड़ी पलटती है तो अक्सरतर यही लोगों की गलती होती है, जुताई करके आ रहे हैं, एक ब्रेक खुला है, अचानक रोड पर कोई गाड़ी आई, उन्होंने ब्रेक ऐसे मारा तो एक ही पहिया जाम हुआ, फटनस गाड़ी बंद गई। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब आपका जो है रोड पर चल रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे आपकी रोड या जैसे मिले उस तरीके से आप इस्तेमाल करें, अपना चलाएं। अब अच्छा, खेत में आपको चलाना है तो खेत के लिए, अच्छा ये जो लो है, लो का काम क्या है, लो का काम है जुताई में, आप जुताई कर रहे हैं, इससे जो है गाड़ी समझ लीजिए आप देसी भाषा में चलती इससे है, लेकिन जान इस गियर में है, क्योंकि जब भी आपको लोड वाला काम करना होगा या रूटावेटर चलाना है या कल्टीवेटर जुताई करनी है या ट्रॉली आपकी लोड है अच्छी खासी अब चढ़ाई है, तब आपको यही पावर देगा, यही गियर दम देता है। इसका लगाया पहले हाई का दूसरा और लो लगा लेंगे, या लो लगा के हाई तीसरा लगा लेंगे, आप आसानी से चढ़ सकते हैं। इसको लगाने से गाड़ी में भरपूर ताकत आएगी। अब आ जाइए इधर जुताई के समय, तो जुताई के और रोड पर चलने के लिए हर जगह ये जो है हाइड्रोलिक मायने रखती है। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आया है, हमने देखा भी है कई जगह, जब ट्रॉलियाँ लौटती हैं ट्रैक्टर रोड पर चलते हुए, तो ये हमारा रिवर्स हो गया, ठीक, इससे हमारा जो है यंत्र कोई हो नीचे को जाएगा, हाइड्रोलिक ये नीचे को जा रही है, ठीक। हमेशा रोड पर चलें, जब भी ट्रॉली लेके या लोड गाड़ी, हमेशा रिवर्स सब नीचे को रखें। अगर ये आपका बोल्ट, कभी कभी ये छोटी गलतियाँ और बड़े नुकसान करती हैं, जैसे कि
ये बोल्ट लगा हुआ है दोस्तों, तो इसको हमेशा चेक करते रहिए, इसको थोड़ा टाइट रखिए ताकि हमारा लीवर जो है हमने नीचे कर दें तो झटके में कहीं ऊपर ना आ जाए। आप मान लिया रोड पर जा रहे हैं और झटके में ये जो है लीवर छूट गया, अब ये पीछे हाइड्रोलिक उठाया नहीं, ट्राली में हाइड्रोलिक लगी नहीं, आपका सब मामला पीछे से तोड़ फाड़ के झड़ामस ये ट्रैक्टर सीधे पलट जाएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला, जब भी आप रोड पर चले रिवर्स हमेशा नीचे रखें और इसको जो है लॉक करके रखें कि हाइड्रोलिक हमारी ऊपर ना आए। अच्छा, जुताई के टाइम ये आपका लीवर जो है अप डाउन के लिए है, कोई यंत्र पीछे है उसको उठाने और गिराने के लिए है, ये आपका जो है गहराई सेट करने के लिए है दोस्तों, ये हुई चलाने की चीज़। अब आप ट्रैक्टर जो है आराम से चला सकते हो, चलाने में इसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, दोनों हमारे पहिए आगे ले दिखाते हैं आगे के हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं सब दिखाता है इसमें, बस थोड़ा दिमाग होना चाहिए, आराम से ट्रैक्टर आप चला सकते हैं। बाकी कुछ रह गया हो आप जानते ज़्यादा हो तो कमेंट में बताना दोस्तों, धन्यवाद।